Hello guys, this is the editorial for CodeChef Long Challenge. The problem name is Unit GCD. आप पॉज करके प्रॉब्लम को पढ़ सकते हैं, मैं सिंपली इसको कुछ लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ. सेब के पास एक बुक है जिसमें एन नंबर ऑफ पेजेस हैं, मतलब 1 to n तक. उसको क्या करना है, कम से कम डेज में बुक को फिनिश करना है और कंडीशन ये है कि एक दिन में वो जितने पेजेस पढ़ेगा उनका जो पेज नंबर है उनका जीसीडी 1 होना चाहिए, मतलब वो आपस में यूनिट जीसीडी हो. और यूनिट जीसीडी का मतलब होता है कि वो आपस में को प्राइम हो. तो आपको इसमें क्या क्या बताना है कि नंबर ऑफ मिनिमम डेज, कितने दिन में वो बुक को खत्म कर देगा, उसके बाद पर डे वो कितने पेजेस पढ़ रहा है और कौन कौन से पेजेस पढ़ रहा है. तो लेट्स सी टेस्ट केस. सपोज 1 टेस्ट केस है, नंबर ऑफ टेस्ट केस 5, बुक का साइज है, एन की वैल्यू 5 है, मतलब हमारे पास बुक में कितने पेजेस होंगे, 1 2 3 4 5. अब वो इसको कितने दिन में फिनिश कर रहा होगा, 2 डेज में. और पहले दिन वो कितने पेजेस पढ़ रहा है, 3 पेजेस, और उन कौन कौन से, 1 2 5, ये आपस में को प्राइम है. सेकेंड डे में 3 and 4. सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस, हाउ कैन वी पेयर दिस पेज नंबर्स, अप्रोच क्या होगी हमें इसकी सॉल्व करने की. सो आइडिया इज, यू नो एवरी 2 consecutive नंबर इज अ प्राइम नंबर. तो 1 से लेकर 9 तक मैंने नंबर लिखा है, इसमें कोई भी 2 consecutive नंबर उठा लो वो आपस में को प्राइम होंगे ही होंगे. सपोज 5 and 6 बोथ आर को प्राइम, 3 and 4 बोथ आर को प्राइम. बट एक स्पेशल केस है कि अगर आप शुरू के 3 नंबर को देखो, 1 2 3, तो ये 3 नंबर आपस में को प्राइम है. सो दिस इज द स्पेशल केस वेयर 3 consecutive नंबर आर को प्राइम. तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. लेट्स सी हाउ. एन की वैल्यू 4, तो हम इसका यूज करेंगे कि सारे 2 consecutive नंबर आपस में को प्राइम होते हैं. तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 4 तक के हर नंबर को 2 2 के पेयर में तोड़ देंगे. सपोज 4 था तो 1 2 and 3 4, 6 होता तो 1 2 3 4 5 6. लेट्स सी जब एन की वैल्यू 5 होगी, एन की वैल्यू 5 है तो 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब n की वैल्यू ऑड आ रही है तो हम शुरू में फर्स्ट में ही 3 ले रहे हैं, बाकी टाइम 4 5. अगर 7 होती तो यहाँ क्या होता, 6 7, 9 होता तो 8 9. तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पेयरिंग करने का. अब आपको इसमें ये भी बताना है कि कितने नंबर ऑफ डेज लगे. तो आप अगर नोटिस करो तो अगर हम n को 2 से डिवाइड करें तो जो इंटीजर वैल्यू आ रही है वही हमारा आंसर होगा. एन 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आएगा, 2. तो 2 डेज में इसने पूरी बुक को फिनिश कर दिया. यहाँ 5 था, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं तो इंटीजर में जो आंसर आएगा वो हमारा 2 आएगा. तो यहाँ पर भी इसने 2 में इसको डिवाइड कर दिया. तो टेस्ट केस में यहाँ पर 5 दिया हुआ था, तो आप क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 then 5. ओके, मैं इसको 5 से ही सॉल्व कराऊंगा आपको. आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है. सो लेट्स सी द कोड. मैं इसमें कोड टाइप नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं पहले आप इसको खुद ट्राई करें उसके बाद सॉल्यूशन देखें. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना है कि वो कितने दिन में बुक्स को खत्म कर देगा. तो वो कैसे कर रहे थे हम लोग, n by 2 करके. बट n by 2 तो तब होगा जब n की वैल्यू 3 से बड़ी होगी. क्यों, क्योंकि शुरुआत में स्पेशल केस था 1 2 3 को लेकर. अगर 1 2 3 आता है तो वो आपस में को प्राइम थे, तो अगर n की वैल्यू 3 होगी तो वो एक दिन में ही पूरे बुक को खत्म कर देगा. ठीक है, तो इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई, n जब ग्रेटर देन 3 होगा तभी n बाई 2, अदरवाइज 1. अब दो केसेस थे हमारे पास, एक तो ऑड नंबर पेजेस आए या इवन नंबर. जब इवन होंगे तो सिंपल हमें 2 2 का पेयर ले लेना है. तो उसको कैसे प्रिंट, इवन है तो क्या करना है, प्रिंट करना है हमें 2 2 के पेयर में. और हर दिन कितने पेज पढ़ रहे हैं, 2, तो 2 यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर क्या आएगा, आई और आई प्लस 1. आई की वैल्यू 1 है तो 1 2, तो 2 से इंक्रीज करना है तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, यानी ये 3 4. तो ऐसे ये पूरा लूप प्रिंट कर देगा. बट जब एन की वैल्यू ऑड होगी तो ऑड में क्या क्या हो सकती है, एक तो 3 हो सकती है, एक तो 1 हो सकती है, जो कि स्पेशल केस के अंडर आएगा. सपोज अगर एन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 1. तो इसको मैंने अलग से लिख दिया है. तो अब देखते हैं जब n 1 नहीं होगा तो कैसे प्रिंट करना है.
हाई को मैंने 1 से स्टार्ट किया और 2 से ही इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमें पेयरिंग हमेशा किसकी करनी है, दो दो की। और यहाँ पर हमने इक्वल टू नहीं लगाया क्योंकि फर्स्ट लाइन में हमें 3 नंबर प्रिंट करने हैं, तो लास्ट नंबर हम फर्स्ट लाइन में ही प्रिंट कर देंगे। और फर्स्ट लाइन पता कैसे चलेगी, जब आई की वैल्यू 1 होगी, तो 1 होगी तो हमने क्या लिख दिया, 3 देन आई, आई प्लस 1 देन एन। तो ये क्या कर देगा, 1, 2, 5 प्रिंट कर देगा, एन की वैल्यू 5 होगी। और अदरवाइज क्या करना है हमें, सिंपल इसी लूप को प्रिंट कर देना है। ओके, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप इसको खुद से टाइप करिए, सबमिट करिए, फिर कहीं कंफ्यूजन होता है तो फिर से कोड को देखिए। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।